7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला किया था। हमास ने इसराइल के नागरिकों को निशाना बनाया था। हमास के आतंकी हमले में 1200 लोग मारे गए थे इस आतंकी हमले में, और कई लोग अभी भी होस्टेज बनाए गए हैं। आतंकियों ने करीब 250 नागरिकों को बंधक बनाया था। धीरे धीरे करके कुछ लोगों को छोड़ा गया, उम्र देख के, किसी की बीमारी देख के, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर बंधक हैं। इसराइल के नागरिकों को आतंकी गाजा लेकर गए हैं, और अभी भी तस्वीरें ऐसी सामने आती कि याहया सिनवार कुछ बंधकों के साथ ही आगे निकलता है, क्योंकि उसके हाथ में एक बैग होता है और उस बैग में विस्फोटक होते बताया जाता है। अगर उस पर हमला किया गया तो बंधकों को नुकसान हो सकता है। आतंकियों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ ने मोर्चा खोल दिया था, और आईडीएफ के सैनिक यानी इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन के लिए अंदर गई थी, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। इसराइल ने गाजा पर हवाई और जमीनी हमले शुरू किए, लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी भी गाजा पट्टी पर हमास के आतंकियों से इसराइल की लड़ाई अभी भी जारी है। वहीं हिजबुल्ला, हूती तमाम चारों तरफ से घिर चुका है इसराइल। गाजा में आईडीएफ के हमले में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हमास के हजारों आतंकियों को आईडीएफ ने अब तक ढेर कर दिया है। तो 7 अक्टूबर को जो बर्बर हमला हुआ था उसके बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद से यह युद्ध अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब इसमें सीधे तौर पर ईरान भी कूद पड़ा है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को अपराधी के हमास के आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था इसराइल पर, और आज उस हमले के एक साल बीत चुके हैं। आज ठीक एक साल पहले का देखिए वीडियो जो है ये जारी किया गया है, इसराइल की तरफ से ये फुटेज जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो ये हमास के आतंकी हैं वो किस तरीके से घात लगाकर बैठे रहते हैं, उसके बाद जो है ताबड़तोड़ देखिए हमले किए जाते हैं, और उसके बाद इस हमले में 1200 मासूम लोगों की जान चली जाती है, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया जाता है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये ठीक एक साल पहले की तस्वीर ये जारी कर दी गई है, और ये जारी जो है किया गया है इजराइल की तरफ से। तो 7 अक्टूबर को हमले का ये वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो हमास के आतंकी हैं वो घात लगाकर बैठे थे, और इसके बाद हमला किया गया है मासूम लोगों पर, और यही वजह है कि लगातार इजराइल की तरफ से आज उन दुश्मनों को खात्मा किया जा रहा है जिसने इजराइल को दहला दिया था। तो आपको बता देते हैं कि इसराइल का प्लान मिशन ईरान क्या है। आखिरकार सैन्य आर्थिक नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। जो सैन्य ठिकाने हैं ईरान के उन्हें तबाह करने का प्लान किया गया है। बिजली संयंत्र से लेकर के परमाणु संयंत्र तक खत्म करने की जो प्लानिंग है वो की गई है। ड्रोन के जो बेस है कैंप है उन्हें भी खत्म करने की यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। वायुसेना को खत्म करने की तैयारी की गई है, यानी ईरान को हर तरीके से इजराइल घेरने की तैयारी कर चुका है। तेल कुएं से लेकर के यानी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि उनकी आर्थिकी पर चोट कर दिया जाए ताकि वो किसी भी तरीके से हथियार ना खरीद पाए और उनका जो प्लान है यानी इसराइल का जो प्लान है वो सफल हो जाए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप बताइएगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा बड़ा प्लान इसराइल के द्वारा तैयार किया गया है, यानी ये समझा जाए कि आतंकी पर चोट करके पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उसके बाद ये तबाह हो जाएगा और इसराइल को इस मोर्चे से भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा कि अब कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। जी हाँ, जैसे ही इसराइल ने ये डिसीजन लिया कि ईरान पर हमला करना है तो वो डेफिनेटली ईरान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं जैसे कि चाबाज बंदरगाह है, बंदर अब्बास है, या ईरान के जो पोर्ट्स हैं उन पर हमला करेगा। सबसे बड़ी हमला जो है मेरे ख्याल से जो कि आईडीएफ प्लान कर रही है वो एक पॉलिटिकल टारगेट होगा, यानी क्या खुमैनी के घर पर हमला होगा, क्या पेजिशकियन के महल पर हमला होगा। मेरे ख्याल से ऐसा वह करेंगे ये सिद्ध करने के लिए कि हम अगर जरूरत पड़े तो आयतुल्लाह खमानी के महल को, पेजेशकियन के घर को भी टारगेट कर सकते हैं, ईरान बच नहीं सकता। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, पॉलिटिकल विक्ट्री होगा थ्रू एयर अटैक। कोई भी एयरफोर्स जो है वो हमेशा दुश्मन के लीडर्स के घर में अटैक करने के लिए, प्रिसीजन अटैक करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टारगेट को जब आप हिट करते हैं तो ईरान की जनता को ये आभास होगा कि अगर हमारे नेता सुरक्षित नहीं हैं तो ईरान के आम आदमी कैसे सुरक्षित हैं इसराइल की एयरफोर्स से। खौफ दहशत में उनको जीना पड़ेगा, उनका मोराल और युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो कुछ लोग मॉडरेट हैं वो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे ईरान के अंदर,
कि ईरान अब भविष्य में हमास को, हिजबुल्ला को या हुती को इस तरह की मिलिट्री सहायता देना आस्ते आस्ते बंद कर दे। तो 7 अक्टूबर हमले को एक साल पूरा हो गया है और लगातार आपको हम स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर क्या चैलेंजेस अब इसराइल के सामने आ गए हैं, क्योंकि इसराइल की मुश्किलें गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों को खत्म करने के साथ खत्म नहीं हुई। हालांकि अभी हमास के आतंकियों को खत्म पूरी तरह से नहीं किया गया है, अब हिजबुल्ला, हूती, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी सीधे अटैक करने शुरू कर दिए। ट्रिपल एच के साथ 7 ऐसे फ्रंट है जिस पर इसराइल को दिक्कतें हो रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है लोगों को संबोधित करते हुए कि 7 फ्रंट पर हमारे सामने चुनौती है। उन 7 फ्रंट पर कर्नल सिंह उनको निपटना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप ईरान तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ईरान ने तो आप पर हमला कर दिया, मिसाइल से अटैक कर दिया, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। नहीं देखिए, जब आपने सेट कर लिया एज इसराइल, इट इज ये कहीं तक जा सकता है। मुझे आप एक बात बताइए कि ईरान के प्रेसिडेंट के महल से 100 मीटर दूर जाकर अगर वो हानियां को मार सकता है तो अप्रोचेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम है? कौन कैसे जाएगा, कौन कैसे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एयर पावर वो रखते हैं, रिफ्यूलिंग पावर रखते हैं, करना सब कुछ पॉसिबल। मैं तो कहता हूँ इवन एयर जाने की जरूरत क्या है अगर आपके पास मिसाइल सिस्टम इतने बढ़िया हैं जो अपने आप में काम कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको टाइम क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि टारगेट, जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इन्होंने चूज़ किए होंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा तकलीफ ईरान को क्या देगा वो डिसीजन है। साथ ही साथ आपको वैसे बता दूं कि कतर में जिस तरह की एक पीस टॉक की कोशिश लास्ट मिनट अभी भी होस्टेजेस से रिलेटेड करी जा रही है कि किसी तरह ये लड़ाई रुक जाए, उसके लिए भी यूएस इसराइल को रोके हुआ है एक तरीके से, रुके या ना रुके बट बड़ी स्ट्राइक जो करने की बात है, क्योंकि उससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा और अगर आप देखें तो आपने अभी बात करी 7 फ्रंट वॉर, मुझे लगता है कि इसराइल के लिए फ्रंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इससे पहले भी वो 9 कंट्रीज के साथ लड़ चुका है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने उसको छोड़ा नहीं है? पूरा मिडिल ईस्ट उसके खिलाफ हुआ करता था एक टाइम पर। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि विच इज़ देयर क्रिटिकल फ्रंट, क्रिटिकल फ्रंट इज उनकी एग्जिस्टेंस, उनका अपना एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। और वो वाला फ्रंट जो कि बाहर की कंट्रीज जो है, चाहे वो ईरान ले लीजिए, चाहे आप सीरिया ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जिस तरीके से वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। अगर आज कंसेशन एक मिनट को इसराइल कोई दे भी दे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको चाहिए कि यहूदी इस जमीन पर नहीं होने चाहिए, इसराइल शुड सीज टू एग्जिस्ट। 65,000 लोगों के लिए आपने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया था जो कि टोटली डेजर्ट था। मुझे समझ नहीं आ रही टू नेशन थ्योरी में तकलीफ कहां आ रही है जी। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें गलती दोनों तरफ, इसलिए कहता हूं कि अगर हमास अटैक कर रहा है और पैलेस्टीन, एक जो अटैक किया गया था उसके बाद आप अटैक करके रुक सकते थे, लेकिन वो एकदम बढ़ते गया और एक साल हो गया और अभी भी कई फ्रंट पर कई मोर्चे ये इसी तरीके से खुले हुए हैं।